पिछले कई सालों के फिजिक्स पढ़ाने के अपने अनुभव में मैंने ये देखा कि बच्चा किसी भी इस क्लास का हो, एट्थ का हो, नाइन्थ का हो, टेंथ का हो, इलेवेंथ का हो, ट्वेल्थ का हो, मैथ्स का हो, बायो का हो, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर एम्स की या नीट की या बोर्ड की, एक कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ है और वो ये कि 100 में 30-40 बच्चों को वो प्रॉपर ज्योमेट्री और बेसिक मैथ्स ही नहीं आती है जो फिजिक्स सीखने के लिए जरूरी है। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला, ये मुझे अपने पढ़ाने के 12 साल बाद पता चला कि यार ये तो इन्हें बेसिक मैथ्स ही नहीं आती है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे बच्चों का है और बातें इतनी ज़्यादा वो करते हैं, प्रिपरेशन करनी है, ये कोचिंग, वो स्कूल और ये वीडियो और दुनिया भर की। तो अब तो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं कि भाई आप बेसिक पे काम कीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट क्लास टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में वो चीज़ें नहीं कराएगा जो कि जो कमजोरियां क्लास सिक्स और सेवेंथ की रह गई हैं। तो ना तो उस कमी को गार्जियंस पकड़ पाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं नहीं, ना उस कमी को बच्चा जानता तो ज़रूर है लेकिन वो कहता है कि मैं इलेवेंथ में हूँ और मैं कैसे ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो या तो फ्रस्ट्रेटेड होता है या फिर डिफेंड करता है। तो इस पूरे चक्कर से बाहर होने के लिए मैंने कहा कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें मैं बेसिक मैथ्स की बात करूँ और इस सीरीज में 10-15 पार्ट्स होंगे और फिजिक्स सीखने से पहले आप इन सारे पार्ट्स को कीजिए, फिर देखिए फिजिक्स कितनी आसान हो जाती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा टाइप से, तुम मुझे मैथ्स दो मैं तुम्हें फिजिक्स दूंगा, कुछ ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है? बिना मैथ्स जाने हुए, बेसिक मैथ्स बिना जाने हुए फिजिक्स पढ़ना क्लास में सिर्फ ड्रामा करना है और एक्टिंग करना है, जो बच्चे भी कर रहे हैं और टीचर्स भी कर रहे हैं और मैं भी किया हुआ हूँ 12 साल तक। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चे इन मैथ्स में ठीक होते हैं, इन चीज़ों में बेहतर होते हैं, वो साइंस की लॉज को समझते हैं और वो क्रूड फॉर्म में आ जाता है। जो नहीं समझते हैं वो फिर इसका शॉर्टकट या फिर शॉर्टकट के नाम पे कोई भी एक बड़ी विचित्र सी चीज़ लिख के चले आते हैं, वो बड़ा बेबूझ सा हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि यार पूरा एक जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का, इसमें इतना बड़ा बड़ा नियम लगाइए कैलकुलस का और ये वो, तो मैंने तो तौबा कर ली है। फिजिक्स में मैं कैलकुलस बहुत कम यूज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं यूज़ करना होगा तो जेई एडवांस के लिए, बाकी बोर्ड और नीट और एम्स और जेई मेन इन चारों के लिए फिजिक्स का 70-80% पार्ट मैं सिर्फ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल इन्हीं से कर लेता हूँ। आप पाइएगा कि जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज में कैसे ज्योमेट्री के एक प्रॉब्लम को मैं फिजिक्स का प्रॉब्लम बना रहा हूँ, चाहे वो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम ट्रायंगल का हो, स्क्वायर का हो, हेक्सागन का हो, क्यूब का हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा फोकस बेसिक ज्योमेट्री, बहुत बड़ी वाली ज्योमेट्री नहीं जो क्लास 9-10 में कराते हैं कॉन्ग्रुएंसी और ये सब, वो नहीं, बहुत बेसिक ज्योमेट्री, बहुत कम बहुत कम। एक घर की मुश्किल से एक या दो चाबियां होती हैं, 20-25 चाबियां नहीं होती। ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाबी तो बहुत छोटी चाहिए और कम कम चाहिए, 1-2-3 चाबियां। इसी तरह मैं यूज़ करूँगा, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे बात करूँगा। मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ लेकिन मैं अपने आप को अंदर से जानता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ्स के डायग्राम्स को मैं फिजिक्स की पेंटिंग कर देता हूँ, कुछ सिचुएशंस की पेंटिंग कर देता हूँ और वो प्रॉब्लम फिजिक्स की बन जाती है। तो बेसिकली हिडन एजेंडा ये है कि मैथ्स का प्रॉब्लम होगा मैं उसे फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाऊंगा, लेकिन पहले वो बेसिक चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। अंतिम बात, कुछ चैप्टर्स जो शुरुआती में, जो क्लास बच्चा जब नाइन्थ में आता है, एट्थ में होता है, टाइम ये है, एट्थ में था, नाइन्थ में था, टेंथ में था,
इलेवेंथ में आया, एट्थ से नाइन्थ में टाइम आगे बढ़ा, सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा, टेंथ तक सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन इलेवेंथ में क्या होता है कि इलेवेंथ में सिलेबस उसका उठ के यूं भाग जाता है इतना ज्यादा। सबसे जो खतरनाक पहाड़ी है, जैसे आप देखते होंगे एवरेस्ट पर चढ़ने में एक पहाड़ी ऐसी है, एक चोटी ऐसी है जहां सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी और एक तरह से एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान चल रही है, सीबीएसई का जो मॉडल है, वो सबसे ज्यादा तो मर्डर करती है वो टेंथ से इलेवेंथ में जाने पे होती है। एनसीईआरटी की किताबें इस ढंग से लिखी गई हैं, सीबीएसई का पूरा मॉडल इस तरह से है, स्कूलों का पूरा व्यवस्था इस तरह से है कि बच्चे को और पिलाओ और ज्ञान पिलाओ और ज्ञान पिलाओ। और मैं ऐसे हजारों बच्चों से मिल चुका हूं जो उनके ज्ञान पिलाने के बावजूद भी एक रत्ती भी नहीं सीख पाए। टीचर को सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करने से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि बच्चा सीखा कितना। हम रात में एक दो रोटी खाते हैं, सुबह तक पचाते हैं, लेकिन यहां ज्ञान को पचाने की कोई सुविधा नहीं है। अगले दिन फिर आइए, पांच पांच दस टीचरों की पूरी फौज है, वो आपको इतना ज्ञान पिलाती रहेगी कि आप पचाने की तो भूल जाइए। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूं चीजें आपके लिए आसान बन सके। कम पढ़िए, पढ़ाई को विटामिन की गोली की तरह लीजिए, एक दो गोली लीजिए और दिमाग सही रहेगा और शरीर सही रहेगा, कुछ उस तरह से लीजिए। इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ट्रायंगल रेक्टेंगल बेसिकली और पैरोग्राम को मैं एक मानता हूं। जिस दिन मैं आपको ट्रायंगल रेक्टेंगल और पैरोग्राम पढ़ा लूंगा, आप पाएंगे कि आपका वेक्टर चैप्टर खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपका अलजेब्रा, आपका थोड़ा सा अर्थमेटिक्स, अच्छी खासी जनता को केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर इज 0.1, अच्छी खासी जनता रूट 0.1 नहीं निकाल पाती है, या रूट ऑफ 0.29 दे दीजिए, अच्छे खासे लोगों के हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन चीजों से मुक्त कर सकूं जो टीचर्स का बड़ा भारी बोझ होता है। मुझे खुद भी क्लासिकल टीचरों से बहुत डर लगता है कि इतना ज्ञान, इतनी श्रृंखला, तो उतनी लिनियर टीचिंग मैं नहीं कर पाता हूं। मुझे सिर्फ सिमेट्री, एसिमेट्री, एनालॉजीज, कुछ ना कुछ कोरिलेशंस ढूंढ लूं, कुछ फ्लो चार्ट, जिससे चीजें आसान हो जाए। कोशिश मैं वही करता हूं।